हेलो गाइस, आज हम स्टार डेल्टा का वायरिंग करेंगे। देखिए ये रेडीमेड स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसका वायरिंग करके हम लोग इसको चला करके देखेंगे ये इसका कनेक्शन कैसे होता है। इसको बनाने के लिए हमको तीन कॉन्टेक्टर लगता है। देखिए तीन कॉन्टेक्टर, एक मेन के लिए, एक डेल्टा के लिए और एक स्टार के लिए। एक ओवरलोड भी चाहिए हमको और एक ऑन ऑफ पुश बटन, जो ओवरलोड में है। ये ऑफ पुश बटन है, ऑन पुश बटन है। चलिए इसका हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। गाइस देखिए, ये टेस्ट लैंप हमने बना लिया है। देखिए यहाँ पे इसके थ्रू हम इसका चेक करेंगे कौन सा एनओ है, कौन सा एनसी है, कॉन्टेक्टर कॉइल हमारा सही है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका कॉन्टेक्टर कॉइल चेक करते हैं। देखिए वाइब्रेट कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। देखिए वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। बल्ब भी देखिए, बल्ब भी हमारा ब्लिंग ब्लिंग कर रहा है, मतलब इसमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब सही है ये कॉइल। को चेक कर रहे हैं, देखिए हमको पता चल गया एनसी है, ये ऑफ पुश बटन का है, ये पहले से ऑफ रहता है। जैसे इसको पुश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनो हो जाएगा, एनो हो जाएगा पुश करने पर। ऐसे ये नॉर्मली एनसी रहता है और ये दो पॉइंट जो है हमारा एनो है। देखिए ऐसे नहीं जल रहा, जब इसको पुश करेंगे तब जलेगा। देखिए बल्ब हमारा जल रहा है, नीचे दिखाइए, बल्ब हमारा जल रहा है। देखिए इसको पुश करने से बल्ब हमारा जल रहा है, जल रहा है। तो ये हमको पता चल गया क्या, ये यहाँ पर ये एनो है। हमको फाइंड आउट करना है कि इसका इसका जो एनो है, मेन का एनो जो है, इसी में कनेक्शन है तो किस पॉइंट से जुड़ा है उसको हम देखेंगे। देखिए इससे नहीं जल रहा है, देखिए इसे ऐसे कनेक्ट करते हैं, नीचे से इसको पुशअप करते हैं। देखिए नहीं जल रहा है, मतलब इससे कनेक्टेड नहीं है। देखिए यहाँ से पुश करते, देखिए इससे ये जुड़ा है, मतलब यहाँ पे मेन का एनो ये है, इससे जुड़ा है, इंटरनली जुड़ा है अंदर से, जैसा कि आपको अंदर से दिख रहा होगा। ये देखिए एक स्ट्रिप है जुड़ा हुआ है। ओके ठीक है, गाइस देखिए ये वाला पॉइंट किससे जुड़ा है, देखिए यहाँ पे लगा करके नीचे से हम इसको अप करेंगे, पुशअप करेंगे। देखिए नहीं जल रहा है, मतलब ये इससे पॉइंट ये वाला नहीं जुड़ा। फिर इसमें देखते हैं, देखिए बल्ब हमारा जल रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट मेन का एनो है, इसको हम मेन का एनो में इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर, इसका हम देखते हैं ये कॉन्टेक्टर का कॉइल सही है या नहीं। देखिए ये दोनों पॉइंट पर हम लगाते हैं वायर को, देखिए वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट के साथ हमारा बल्ब भी थोड़ा थोड़ा जल रहा है, इसका मतलब ये सही है, सही है, इसका कॉइल सही है। अब देखिए इसका एनो एनसी चेक करते हैं। देखिए इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे लगाए तो ये क्या है, एनसी है। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, जिसमें जल रहा है। और देखिए ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे लगाते हैं तो हमारा नहीं जल रहा, मतलब ये एनो है, एनो है, ये डेल्टा का एनो है और ये डेल्टा का एनसी है। अब देखिए स्टार में देखते हैं, स्टार कॉन्टेक्टर में, देखिए स्टार कॉन्टेक्टर का ये दोनों कॉइल पे हम देखते हैं तो देखिए ये हल्का हल्का वाइब्रेट भी कर रहा है, बल्ब भी जल रहा है, इसका मतलब ये सही है। और फिर देखिए इसका एनो और एनसी चेक करते हैं। जैसे देखिए ये दोनों पॉइंट पे लगाए तो हमारा जल रहा है, इसका मतलब ये एनसी है, नॉर्मली क्लोज। और ये दोनों पॉइंट पे हम लगाते हैं तो नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये दोनों एनो है। अब देखिए यहाँ पर एक टाइमर भी है, टाइमर भी है यहाँ पर। देखिए ये वाला जो है हमारा टाइमर है, और टाइमर को देखिए यहाँ से चेक करते हैं हम। ये देखिए टाइमर को, ये देखिए ये एनसी है, एनसी है, इसी का यूज हम करेंगे इसमें, इस स्टार्टर में एनसी का, टाइमर का एनसी का यूज हम करेंगे। आप लोगों ने देख लिया इसको हम लोग टेस्ट कैसे किए हैं। पहले हम लोग को चेक करना है, चेक करने के बाद इसका कनेक्शन करना है। तो चेक हम लोग कर लिए हैं कौन सा एनओ है, कौन सा एनसी है, वो हमको पता चल गया है, तो हम इसका कनेक्शन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कनेक्शन में आपको दिख रहा होगा, ओएलआर से होते हुए ऑफ पुश बटन के एक टर्मिनल पे आया। जैसे देखिए ओएलआर है, ओएलआर से होते हुए ऑफ पुश बटन के एक टर्मिनल पे हमने कनेक्शन कर दिया है। और फिर देखिए दूसरे पॉइंट से कहाँ जाएगा, ऑन पुश बटन के एक टर्मिनल पर। देखिए ये दूसरे पॉइंट से आया है, ऑफ पुश बटन के दूसरे पॉइंट से होते हुए ऑन पुश बटन के एक टर्मिनल पर। यहाँ भी कर सकते थे बट यहाँ नहीं किए, क्योंकि इसका जो एनो है ये इंटरनली जुड़ा हुआ है अंदर से, इसके अंदर से आपको नहीं दिखेगा, ये अंदर से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये पट्टी, ये मेन का एनो है, जो इस वाले पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे जुड़ा हुआ है एनो, इसीलिए इसका कनेक्शन हम यहाँ पे किए हैं। क्योंकि ऑन पुश बटन के ऊपर से हमको मेन का एनो को कनेक्शन करना है, इसीलिए यहाँ पे किए हैं हम कनेक्शन। अब देखिए यहाँ पे हो गया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या देंगे, मेन के एन वी सी में देंगे, मेन के एन वी सी। देखिए ये मेन का एन वी सी है, मेन का एन वी सी से हम यहाँ कनेक्शन करेंगे। जैसे देखिए ये मेन का एन वी सी है, दो टर्मिनल है एन वी सी का, किसी एक पे देना है तो हम इस वाले टर्मिनल पे दे रहे हैं। देखिए मेन का एन वी सी से यहाँ देंगे, यहाँ मेन के एनओ से जाएगा।
जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, मेन के एनओ से होते हुए मेन के एनवीसी में गया। देखिए मेन का एनओ से होते हुए कहाँ गया, मेन के एनवीसी में गया है, मेन के एनवीसी में चला गया। अब देखिए ऑफ पुश बटन के दूसरे साइड से कहाँ जाएगा, दूसरे साइड से जाएगा स्टार के एनओ में, स्टार के एनओ में एक जाएगा टाइमर के एनसी में। तो हम यहाँ पे दो वायर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो वायर कनेक्ट करके एक ले जाएंगे हम स्टार के एनओ में और एक टाइमर के एनसी में। जैसा गाइस देखिए यहाँ से ऑन पुश बटन के एक टर्मिनल से दो वायर लिए थे, दो वायर लेने के बाद एक स्टार के एनओ में जाएगा, एक टाइमर के एनसी में। देखिए एक वायर गया है यहाँ पे स्टार के एनओ में गया है और दूसरा वायर हम टाइमर के एनसी में देंगे। देखिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे, यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे इसका। देखिए यहाँ टाइमर के एनसी में दे दिए हैं, टाइमर के एनसी में दे दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए टाइमर के एनसी में दे दिए हैं और एनसी का दूसरा पॉइंट ये वाला है। ठीक है, टाइमर का एनसी, टाइमर के एनसी से होते हुए कहाँ जाएगा, स्टार के कॉइल में जाएगा, स्टार के कॉइल में। और देखिए ये टाइमर जो है इसके पैरेलल में लगा हुआ है, देखिए ये दो वायर गया है पैरेलल में, टाइमर में गया है। देखिए ये टाइमर में दो वायर गया है, वाइट वाइट दिख रहा होगा दो, देखिए यहाँ पे दोनों वायर गया है, इसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अब देखिए टाइमर के एनसी से स्टार के कॉइल में जाएगा, ये स्टार का कॉइल है। देखिए यहाँ पे कनेक्शन करेंगे हम इसका, जैसे देखिए टाइमर के एनसी से स्टार के कॉइल में गया है, देखिए टाइमर के एनसी से होते हुए स्टार के कॉइल में गया है, ये रेड वाला छोटा सा वायर दिख रहा है आपको, ये वाला ये स्टार का कॉइल में गया है। रुकिए देखिए गाइस यहाँ स्टार के एनो में तो गया था, यहाँ पे स्टार के एनो से एनसी में जाएगा। देखिए स्टार का एक पॉइंट पे गया है, दूसरे इंड से स्टार के एनसी में जाएगा, तो एनो का दूसरा इंड ये है और एनसी का पहला इंड ये है, ये वाला पहला स्टार्ट पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट। तो इसको शॉर्ट करेंगे हम, इससे ये वायर जो जुड़ा है हम यहाँ पे डालेंगे एक वायर। देखिए गाइस ये स्टार के एनो से एनसी में ये शॉर्ट वायर है, यहाँ पे हम शॉर्ट किए हैं देखिए, और एनसी का दूसरा पॉइंट से जाएगा डेल्टा के एनवीसी में। देखिए डेल्टा के एनवीसी ये वाला है, यहाँ ये एनसी का दूसरा पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट से डेल्टा के एनवीसी में जाएगा, तो यहाँ से हम डेल्टा के एनवीसी में देंगे। बोलिए गाइस देखिए ये स्टार के एनसी से डेल्टा के एनवीसी में जाएगा, देखिए स्टार के एनसी है ये और डेल्टा के एनवीसी, ये डेल्टा का एनवीसी है, डेल्टा के एनवीसी में स्टार के एनसी से हम यहाँ पे दे दिए हैं। गाइस देखिए यहाँ पे दूसरा फेज यहाँ से आया है, यहाँ से आते हुए मेन के एनवीसी में क्या है, देखिए मेन के एनवीसी में क्या है, मेन के एनवीसी से डेल्टा के एनवीसी में क्या है, डेल्टा के एनवीसी से कहाँ जाएगा, डेल्टा के एनसी में, इसमें जाएगा ये वायर डेल्टा के एनसी में जाएगा। जैसा देखिए गाइस यहाँ पे दूसरा फेज आया था, यहाँ मेन के एनवीसी में डेल्टा के एनवीसी से होते हुए स्टार के डेल्टा के एनसी में गया है, डेल्टा के एनसी से कहाँ जाएगा, स्टार के कॉइल में। देखिए ये स्टार के कॉइल में यहाँ से देंगे, ये एनसी हम चेक किए थे तो पता चला था, यहाँ से हम इसका कनेक्शन करेंगे ये वाला वायर को यहाँ, ये देखिए एनवीसी में जुड़ा है यहाँ पे स्टार के एनवीसी में ये वाला वायर। अब देखिए ये सर्किट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, उसमें देखिए हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, फिर से हम इसको उसमें समझा देते हैं। जैसा देखिए यहाँ एक फेज आया है आर, ऑफ पुश बटन में गया है, ऑफ पुश बटन से निकल करके ऑन पुश बटन में गया है, यहाँ पे ऑन पुश बटन से देखिए ऑन पुश बटन से एक और वायर जुड़ा है, इसका ये वायर जो है इंटरनली जुड़ा हुआ है, इसके अंदर से ये अंदर से जुड़ा हुआ है यहाँ मेन के एनओ से। फिर यहाँ देखिए ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट से कहाँ गया है, मेन के एनवीसी, देखिए मेन के एनवीसी में गया है। और फिर देखिए ऑन पुश बटन के दूसरा पॉइंट यह है, यहाँ से दो वायर निकला है, एक गया है स्टार के एनओ में, एक गया है टाइमर के एनसी में। देखिए एक गया है स्टार के एनओ में गया है, दूसरा वायर जुड़ा है ये गया है टाइमर के एनसी में, टाइमर के एनसी में गया है और टाइमर के एनसी से होते हुए स्टार के कॉइल में। देखिए यहाँ पे स्टार के कॉइल में जुड़ा हुआ है, ये लाल वाला छोटा सा वायर दिख रहा होगा आपको, स्टार के कॉइल में गया है ये वाला। और ये देखिए ये दोनों वायर जो है पैरेलल में है, टाइमर के पैरेलल में, दोनों वाइट वाला वायर जो है वो टाइमर स्टार एनवीसी के पैरेलल में है, ये टाइमर जुड़ा हुआ स्टार के एनओ से स्टार के एनसी में गया है। देखिए स्टार के एनसी से होते हुए डेल्टा के एनवीसी में, देखिए यहाँ से गया है कहाँ, डेल्टा के एनवीसी, ये वायर जो है डेल्टा के टाइमर स्टार के एनसी से डेल्टा के एनवीसी में गया है। एक वायर और लगाना होगा गाइस, देखिए मेन के एनओ के दूसरा पॉइंट ये रहा और स्टार के एनओ के दूसरा पॉइंट ये रहा, यहाँ एक वायर लगाएंगे, इसको होल्डिंग वायर बोलते हैं, होल्डिंग वायर यहाँ से हम यहाँ लगाएंगे, ये वाला वायर जो था हमने यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया है, इसको होल्डिंग वायर बोलते हैं। अब देखते हैं इसका टेस्ट करके ये ऑपरेशन सही होता है कि नहीं, स्टार से डेल्टा में चेंज करता है कि नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो फेज देना पड़ेगा,
आर और बी। तो हम यहाँ पे थ्री फेज का कनेक्शन करते हैं, फिर इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं कि स्टार से डेल्टा में चेंज कर रहा है कि नहीं, ये ऑपरेट हो रहा है कि नहीं कंट्रोल वायर में। गाइज तो ये जो कनेक्शन हमने किए हैं ये कंट्रोल का है, ये कंट्रोल से ऑन ऑफ होगा, स्टार से डेल्टा में चेंज होगा। तो इसका पावर वायरिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको हम लोग ऑपरेट करके देखते हैं स्टार से डेल्टा में चेंज हो रहा है या नहीं। तो गाइज ये वर्क कैसे करता है, इसको हम जो डायग्राम के थ्रू जानते हैं। देखिए यहाँ से आर फेज आया, आर फेज ओएलआर से होते हुए ऑफ पुश बटन है, ऑफ पुश बटन चिपका होता है यहाँ पे, एनसी होता है ये एनसी, ऐसे इसके थ्रू सप्लाई यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आके रुक जाएगी। इनो बटन ये हटा हुआ है, पुश बटन है ये, यहाँ देखिए यहाँ इनो है तो यहाँ भी सप्लाई इधर नहीं जाएगा, यहाँ तक आके रुक जाएगा। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं पुश बटन को, इधर से ऑन पुश बटन को इधर से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर चिपकेगा, फिर आगे सप्लाई यहाँ से ऐसे एनसी हो जाएगा, फिर आगे यहाँ से इधर सप्लाई जाएगा, इधर एनसी है टाइमर का, तो टाइमर के एनसी से होते हुए यहाँ जाएगा स्टार के एनवीसी में। और इस तरफ से देखिए ये फेज इसको स्टार को मिल रहा था, इधर डेल्टा के एनसी से होते हुए स्टार के कॉइल में, तो ये कॉइल जो है ये एनर्जाइज हो जाएगा स्टार का कॉइल। जैसे ही स्टार का कॉइल एनर्जाइज होगा तो क्या होगा, स्टार का यहाँ एनो है तो एनसी हो जाएगा, स्टार का एनो एनसी हो जाएगा, और ये स्टार का एनसी है वो एनो हो जाएगा जब ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा तब। तो देखिए यहाँ से जैसे ही पुश करेंगे ये कॉइल एनर्जाइज होगा, स्टार का कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, तो इसका एनो एनसी हो जाएगा, फिर इसका एनसी जो है एनो हो जाएगा, तब हमारा सप्लाई इधर से इधर तो जाएगी, फिर हमारा सप्लाई इधर से ऐसे ऐसे इस साइड से इधर मेन के एनवीसी में जाएगा। मेन के एनवीसी में इस साइड से एक फेज मिला और दूसरे साइड से एक फेज मिल गया, तो ये कॉइल भी हमारा एनर्जाइज हो जाएगा उसी टाइम। तो क्या होगा, जब ये एनर्जाइज होगा कॉइल तो फिर ये एनो एनसी हो जाएगा, ये एनो जो होगा वो एनसी हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। चिपकने के बाद जैसे ही हम ये पुश बटन को वापस से छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद हमारा सप्लाई इधर से ऐसे इधर जाती रहेगी, फिर हमारा सप्लाई इधर से ऐसे होते हुए इसके एनसी के थ्रू होते हुए यहाँ से ये स्टार कॉइल में चला जाएगा, स्टार कॉइल में चला जाएगा, तो ये चलता रहेगा। अब टाइमर को हम जितना पे सेट करेंगे उसके अनुसार क्या करेगा, ये टाइमर एनसी को एनो में चेंज करेगा, पहले एनसी है इसको एनो में चेंज करेंगे, तो हमारा सप्लाई स्टार में जाना बंद हो जाएगा, फिर हमारा स्टार कॉन्टेक्टर हमारा बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद होगा वैसे ही देखिए ये अपना पोजीशन में आ जाएगा, जैसे पहले एनो था तो एनो हो जाएगा, टाइमर जब एनो होगा तो ये एनो हो जाएगा, फिर ये एनसी हो जाएगा, तो एनो हो जाएगा तो फिर इधर से सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और इधर एनसी हो जाएगा, तो हमारा सप्लाई इधर से जाता रहेगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर ये एनसी रहेगा, तो एनसी से होते हुए डेल्टा कॉइल डेल्टा के एनवीसी में जाएगा, तो डेल्टा के एनवीसी जो है वो एनर्जाइज होगा, फिर मेन और डेल्टा हमारा चलता रहेगा जब तक कि हम इसको ऑफ नहीं करेंगे तब तक। गाइस जैसा देखिए हमने थ्री फेज यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, आर वाई बी डायग्राम में आपको देख रहा होगा, आर से निकल के वाई एल आर में गया देखिए यहाँ पे, और बी जो है बी यहाँ पर दिए हैं जो इधर सर्किट दूसरा कनेक्शन इधर से है। अब इसको हम लोग ऑन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, स्टार से डेल्टा में चेंज कर रहा है कि नहीं, हम आपको दिखाएंगे। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं, देखिए ऑन पुश बटन है, ऑफ पुश बटन, इससे ऑन होगा और इससे ऑफ होगा। देखिए इसको ऑन करते हैं हम, देखिए गाइस यहाँ पे देखिए ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है और ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है, ये डेल्टा मेरा ऑफ है अभी, देखिए डेल्टा मेरा ऑफ है, आपको दिख रहा होगा डेल्टा, देखिए ये डेल्टा का कॉन्टेक्टर है ये, अभी मेन और स्टार दोनों ऑन है, अब डेल्टा में हमारा चेंज करेगा टाइमर के द्वारा, जितना हम टाइम सेट किए हैं उसके अनुसार से डेल्टा में चेंज होगा, देखिए ऑटोमेटिक चेंज होगा ये। देखिए गाइस डेल्टा हमारा लग गया है, डेल्टा और मेन दोनों लगा है और स्टार हमारा ओपन हो गया है, देखिए स्टार कॉन्टेक्टर ये खुला है, देखिए ये दोनों पत्ती हटा है आपस में, और ये देखिए ये जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है, तो स्टार और डेल्टा हमारा दोनों एक साथ लग गया है, पहले स्टार लगा था, स्टार टाइमर के द्वारा चेंज हो करके ऑफ करने के बाद ये डेल्टा और मेन दोनों हमारा चल रहा है। गाइस देखिए ये हमने इसको एक सर्किट बना करके आपको ऑपरेट करके दिखाया कैसे ऑन हो रहा था, इसे इस इधर ऑन होगा और यहाँ से ऑफ हो जाएगा, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा, देखिए ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, यहाँ से ऑन करने के लिए हम यहाँ पुश करेंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।